रीवा में बाइकर्स गैंग का तांडव, सतना के व्यापारी पर हमला, 1 लाख रुपए की चोरी, 3 आरोपी फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा शहर में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। वारदात के बाद व्यापारी ने अपने परिजनों को फोन किया, इसके बाद सिटी कोतवाली थाने को सूचना दी। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस ने बदमाशों का हुलिया पूछकर शहर में नाकेबंदी कराई है, पर लुटेरों का कहीं पता नहीं चला है। ये घटना 30 सितंबर की रात 10 से 11 बजे के बीच जय स्तंभ चौक के पास हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक संजय वाधवानी सतना शहर के रहने वाले हैं। वह कृष्णनगर में संजय इलेक्ट्रॉनिक नाम से थोक की दुकान संचालित करते हैं। व्यापारी का फुटकर माल रीवा की कई दुकानों में सप्लाई होता है। ऐसे में वह सप्ताह के लास्ट दिन यानी कि शनिवार को फुटकर दुकानदारों से रिकवरी किए 1 लाख रुपए कैश का कलेक्शन कर बैग लेकर व्यंकट रोड से पैदल चल दिए। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह जय स्तंभ चौक के पास सतना की ओर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक बाइक में 3 बदमाश आए। उन्होंने बैग मांगा, मना किया तो छीना झपटी करने लगे, नहीं छुड़ा पाए तो आंख में मिर्ची का पाउडर और स्प्रे डाल दिया। आंखों में जलन हुई तो मौके का फायदा उठाकर भाग गए। वारदात के बाद लोकल व्यापारियों को खबर दी थी। लूट की घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारी के जान पहचान के लोग आए। उन्होंने पुलिस को अवगत कराते हुए सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दावा है कि जय स्तंभ चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई होगी, क्योंकि शातिर बदमाश नकाब तक नहीं पहने थे। ऐसे में जल्द पुलिस लुटेरों को पकड़ सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।